हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने एसएएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट? तो दोस्तों, उसी कड़ी के अंदर हमारा जो पेपर नंबर 3 है, लैंग्वेज स्किल्स एंड ऑफिस कम्युनिकेशन, उसके दोस्तों सेक्शन नंबर बी जो है हमारा नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, उसके दोस्तों पार्ट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में दोस्तों उन्होंने इसका सिलेबस डिस्कस किया था और दोस्तों कंपैरिजन किया था कि जो प्रीवियस जो एसएएस का ओल्ड सिलेबस था उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती थी, कितने कितने नंबर की आती थी। और दोस्तों, इस जो नया सिलेबस है हमारा सीबीटी का, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी, ये सारी बातें जो क्या है हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली थी, राइट? तो दोस्तों, आज जो है अपने नेक्स्ट जो उसका टॉपिक है एक, वो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट? तो दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका वो है प्रेसिस राइटिंग का, राइट? तो दोस्तों, प्रेसिस राइटिंग के बारे में आज अपनी चर्चा करेंगे, राइट? तो इसमें देखिए दोस्तों, प्रेसिस राइटिंग में हम देखेंगे कि ओल्ड सिलेबस के अंदर कितने नंबर का था और अब कितने नंबर का आएगा। फिर अपने बात करेंगे कि प्रेसिस राइटिंग होता क्या है, इसका दोस्तों एक एग्जांपल अपने डिस्कस करेंगे, राइट? नवंबर 2020 के एग्ज़ाम में आया हुआ, क्या क्या चीज़ों का दोस्तों हमें ध्यान रखना है प्रेसिस राइटिंग करते टाइम, और प्रेसिस राइटिंग हमें करनी कैसी है, प्रेसिस राइटिंग होता क्या है, ठीक है? तो ये दोस्तों सारी बातें आज अपने डिस्कस करने वाले हैं, राइट? तो दोस्तों, जो ओल्ड सिलेबस था हमारा एसएएस का, उसके अंदर जो प्रेसिस राइटिंग जो था ओल्ड के अंदर, वो प्रेसिस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस और ऑफ नोट्स ऑन एन ऑफिशियल सब्जेक्ट, ठीक है? कोई भी दोस्तों एक ऑफिशियल सब्जेक्ट देगा, राइट? देखो दोस्तों, खास बात ये है, ऑफिशियल सब्जेक्ट पे आपको दोस्तों कोई ऐसा वैसा सब्जेक्ट ये नहीं उठा के देंगे, जैसे पहले जब हम दोस्तों जब स्कूलों में होते थे, राइट? तो उस पर क्या हमसे क्या है कि प्रेसिस राइटिंग पूछा जाता था, ठीक है? प्रेसिस राइटिंग मतलब सार लेखन, सारांश अपने को करना होता था। तो मान लो कंप्यूटर पे दोस्तों पूछ लिया, ठीक है? कंप्यूटर पे दोस्तों क्या एक पैरा दे देंगे, राइट? कि उसमें लिख देते थे इंग्लिश में, मान लो, ठीक है, कि आज के युग के अंदर कंप्यूटर क्या है, इसकी बहुत ज़रूरत है। अब मल्टीटास्किंग जो है कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं, ठीक है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, राइट? इसके बाद दोस्तों कंप्यूटर का इन्वेंशन इन्होंने किया था, राइट? अब और मतलब तमाम तरीके की बातें जो क्या है कंप्यूटर के अंदर आ गई। तो उसका दोस्तों सार जब लिखना होता था, हम चार पांच लाइनों को कंबाइन कर देते थे एक साथ, कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, ठीक है? कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे मैं आज के युग के अंदर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिससे हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है? तो वही दोस्तों क्या था, हम प्रेसिस राइटिंग लिखते थे। तो वो दोस्तों नॉर्मल सब्जेक्ट होते थे, ठीक है? जैसे कंप्यूटर एक नॉर्मल सब्जेक्ट हो गया, वो कोई दोस्तों ऑफिशियल सब्जेक्ट नहीं था। या दोस्तों कोई और आपको दे दिया, मान लो समाज के अंदर कोई भी बुराइयां हैं, ठीक है? तो उसमें जैसे सोसाइटी के अंदर कोई भी बुराई है जिसका इसका टॉपिक, तो क्या जाए टाइटल क्या जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा, ठीक है? समरी पॉइंट आ जाएंगे दो तीन, फिर दोस्तों उसको प्रेसिस लिख दोगे। मान लो दोस्तों समाज के अंदर कोई बुराई है, राइट? या दोस्तों ऐसे बोल सकते हो कोई करप्शन हो रहा है, मान लो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, ठीक है? तो वो आप उसके ऊपर, ठीक है, मतलब ऑफिशियल सब्जेक्ट नहीं थे वो। और ये सारे क्या हैं दोस्तों, ये सारे क्या हैं अपने, ये सारे ऑफिशियल सब्जेक्ट हैं, राइट? एक तो ये हो गया, हमारे जो ऑफिस के अंदर जो हम बातें करते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट यूज़ होंगे वो सारे ऑफिशियल सब्जेक्ट हैं, ठीक है? और प्रीवियस के एग्जाम्स के अंदर दोस्तों 40 नंबर का पूछा जाता था, इसके अंदर 5 नंबर आपके टाइटल के थे और 10 नंबर के दोस्तों आपको समरी बनानी पड़ती थी पॉइंट्स की, ठीक है? आपको 4-5 पेज का क्या है एक प्रेसिस दे देगा, उसके अंदर आपको पहले तो टाइटल लिखना है, ठीक है? इसके बाद दोस्तों उसकी क्या समरी ऑफ पॉइंट बनानी थी, मतलब 4-5 पॉइंट जो है आपको समरी इसकी बनानी थी पॉइंट के, कि हाँ मेन बात क्या है इसके अंदर लिखी गई है। फिर दोस्तों 25 नंबर का क्या है आपको प्रेसिस लिखना था, ठीक है? ऊपर वाले जो पूरा जो डेटा दिया होता था उसमें से छांट के आपको लगभग दोस्तों 1/3, 1/4, मान लो 4 पेज हैं तो 4 का आपने 1/2 पेज निकाल लिया, ठीक है? इस प्रकार से दोस्तों क्या है आपको प्रेसिस लिखना होता, तो उसकी बात अपने आगे करने वाले हैं, राइट? तो ये दोस्तों नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोस्तों नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन उस टाइम था, ठीक है? 5, 10 और 25, राइट? कितने हो गए, 40 नंबर हो गए। अब दोस्तों क्या है, जो हमारा ये वाला पेपर जो है इसके अंदर दोस्तों जो प्रेसिस है वो 20 नंबर का है, ठीक है? अभी भी टॉपिक यही है कि प्रेसिस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस और ऑफ नोट्स ऑन एन ऑफिशियल सब्जेक्ट, इसके अंदर दोस्तों ये 20 नंबर का है, मतलब इसको जस्ट आधा कर दिया, ठीक है? दोस्तों नंबर आधा कर दिया तो ऐसा हो सकता है कि जो इनके नंबर है वो भी आधे हो जाएँ, ठीक है? क्योंकि इसमें अभी तो हालांकि कुछ लिखा नहीं हुआ कि टाइटल पे कितने नंबर मिलेंगे, समरी ऑफ पॉइंट के कितने नंबर मिलेंगे, प्रेसिस के कितने नंबर मिलेंगे, ठीक है? तो आप दोस्तों अनुमान लगा सकते हो कि 2.5 नंबर जो क्या है आपको टाइटल के मिल सकते हैं, ठीक है? और दोस्तों 3 से 4 नंबर जो क्या है आपको समरी ऑफ पॉइंट के मिल जाएंगे, राइट? बाकी दोस्तों जो बचे हुए हैं 15-16 नंबर जो हैं वो आपको प्रेसिस के मिल जाएंगे, राइट? तो ये हुआ हमारा दोस्तों जो सिलेबस हमारे एग्ज़ाम के अंदर क्या आने वाले हैं, राइट? आगे चलिए दोस्तों,
अब दोस्तों अपने प्रेसिस की बात करेंगे कि प्रेसिस होता क्या है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, प्रेसिस की अगर अपने बात करते हैं तो व्हाट इज प्रेसिस राइटिंग, और इसको हिंदी में दोस्तों संक्षेपण या सार लेखन बोलते हैं, ठीक है। ये होता क्या है, ठीक है। तो प्रेसिस राइटिंग इज समराइजिंग ए कॉम्प्रीहेंशन इन लिमिटेड वर्ड्स। प्रेसिस राइटिंग क्या है दोस्तों, समराइज करना। समराइज करना मतलब उसका सार लिखना, उसका सारांश लिखना किसी भी कॉम्प्रीहेंशन का। कॉम्प्रीहेंशन मतलब आपको बहुत सारी लाइनें दे देंगे, राइट, और वो भी किसमें, लिमिटेड वर्ड्स के अंदर, ठीक है। उसके अंदर दोस्तों 10 लाइनें लिखी हुई है, तो आपको इसके अंदर 3 या 4 लाइनों के अंदर ही आपको वो सारा सार आपको लिखना है, ठीक है। कवरिंग ऑल इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स एंड डिटेल्स ऑफ द गिवन पैसेज। और दोस्तों जो आप सार लिखते हो उसके अंदर क्या करोगे, आपको जो तो जो भी आप सार लिखते हो उसको उसके अंदर आपको जो कॉम्प्रीहेंशन के अंदर सारे जो इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है उनको तो कवर करना है, और दोस्तों जो डिटेल्स दी गई हैं, ठीक है, जो फैक्चुअल डेटा है वो भी क्या है, आप सार के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। हिंदी में दोस्तों इसको क्या बोलेंगे, किसी अनुच्छेद, विवरण, वक्तव्य अथवा निबंध आदि के मूल भावों को बचाते हुए संक्षिप्त करना ही संक्षिप्तण कहलाता है, ठीक है। दोबारा सुनिए दोस्तों, किसी अनुच्छेद, कोई भी दोस्तों आर्टिकल दे दिया आपको, कोई भी विवरण दे दिया, कॉम्प्रीहेंशन दे दिया, कोई वक्तव्य मतलब कोई भी मतलब बात दे दी आपको बड़ी सारी, या कोई निबंध दे दिया, उसके मूल भावों को बचाते हुए संक्षिप्त करना ही संक्षिप्तण कहलाता है। तो दोस्तों इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जब भी आप सारांश लिख रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो मूल भाव हैं, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन के अंदर जो मेन बात बोली गई है, जैसे कंप्यूटर की बात करूं तो दोस्तों कंप्यूटर के बारे में जो बातें बोली गई है उसको आप इंक्लूड नहीं करोगे तो क्या है, वो सार अधूरा है, ठीक है, राइट। तो वो चीज़ें आपको इंक्लूड करनी। इस परिभाषा के अनुसार संक्षेपण एक स्वतःपूर्ण रचना है, उसे पढ़ लेने के बाद मूल संदर्भ को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, ठीक है। तो ये इसके अंदर बोल दिया कि संक्षेपण का है क्या है दोस्तों, एक स्वतःपूर्ण रचना है। पूर्ण रचना बोले तो मतलब अपने आप में वो कंप्लीट है, ठीक है। वो आप अगर आप दोस्तों आप सार पढ़ लोगे तो आपको जो ऊपर बहुत सारी 50-200 लाइनें दी गई है उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 200 लाइनें दोस्तों मुझे दी गई थी, मैंने उसका सार निकाल के 20 लाइनें निकाल ली, ठीक है। मैंने उसका सार निकाल के दोस्तों क्या है 20 लाइनें निकाल ली, राइट। तो मैं जब ये 20 लाइनें पढ़ लूँगा तो मुझे ये 200 लाइनें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैंने सारी चीज़ इसमें इंक्लूड कर ली, राइट। संक्षेपण अथवा सार लेखन यानी प्रेसिस का आशय है किसी अनुच्छेद, परिच्छेद, विस्तृत टिप्पणी अथवा प्रतिवेदन को संक्षिप्त कर देना, ठीक है। संक्षिप्त मतलब उसको छोटा कर देना, ठीक है, उसका मूल भाव को बचाते हुए, राइट। 10 लाइन थी तो मैंने उसकी कितनी कर दी, 3 लाइनों में उसको लिख दिया। किसी बड़े पाठ, निबंध, शोध प्रबंध में मुख्य विचारों, तर्कों आदि को लघुतर आकार में प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है, ठीक है। दोस्तों कई प्रकार की डेफिनेशन हो सकती है, राइट। तो इसमें बोल दिया किसी कोई भी बड़ा पाठ आपको दे दिया, निबंध दे दिया, लेख दे दिया, शोध प्रबंध दे दिया, उसके मुख्य विचारों को, उसके तर्कों को, उसके फैक्ट्स को आदि को लघुतर आकार में प्रस्तुत करना ही संक्षेपण कहलाता है, ठीक है। और दोस्तों संक्षेपण जब हम करते हैं, सार लेखन जब हम करते हैं, तो दोस्तों इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि जो जो कॉम्प्रीहेंशन है उसके मूल भाव को बचाना है आपको, ठीक है। उसके दोस्तों फैक्ट्स आपको इंक्लूड करने हैं, राइट। और दोस्तों आपको ऐसा फील होना चाहिए सार लिखने के बाद कि अगर कोई इसको पढ़ देगा तो ऊपर वाले पूरे कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ने की जरूरत नहीं, राइट। तो दोस्तों अगर कोई भी सार लेखन को पढ़ लेगा तो उसको पूरा जो है पैसेज को उसको पढ़ने की जरूरत उसको नहीं है, राइट। और दोस्तों हमारे सिलेबस के अंदर सार लेखन को इंक्लूड करने का क्या सेंस है, ठीक है। तो ये भी अपने दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे सिलेबस के अंदर दोस्तों इस सार लेखन को इंक्लूड किया है तो इसका कोई मतलब तो होगा, ठीक है। तो दोस्तों जो सहायक लेखाधिकारी है WO की पोस्ट जो है उसके पास क्या है, बहुत सारे लेटर जो क्या है आते रहते हैं, जगह जगह से दोस्तों बहुत सारे लेटर्स आते रहेंगे, ठीक है। मेन ऑफिस से आ गए दोस्तों, कहीं बाहर से आ गया, ठीक है, यूनिट कंसर्न से आ गया, डिफेंस सर्विसेज से आ गया, ठीक है। तो दोस्तों उसकी मान लो 20 पेज का लेटर आ गया, ठीक है। अब दोस्तों उसकी समरी बनानी क्या है, इसको आनी चाहिए एक सहायक लेखाधिकारी से, उम्मीद करी जाती है, ताकि वो क्या है दोस्तों समरी बना के उसको अपने नेक्स्ट हायर अथॉरिटी से, ठीक है, या कोई भी ऑफिसर है उसका नेक्स्ट हायर, या खुद को समझने के लिए, या दोस्तों अपने कलीग्स को समझाने के लिए, कलीग्स बोले तो अपने जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है उसको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये दोस्तों अगर उसके अंदर आर्ट होगी तो वो बेहतर काम जो क्या है वो कर पाएगा, राइट। तो इसलिए क्या है इस सार लेखन को हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, राइट। तो ये तो दोस्तों मेन पर्पज़ था इसको इंक्लूड करने के लिए। और दोस्तों सार लेखन अगर आपको करना है तो ट्रेन करो अपने आप को, ट्रेनिंग यू टू रीड फास्ट एंड डिफरेंशिएट बिटवीन इंपॉर्टेंट एंड नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। अपने आप को दोस्तों इस प्रकार की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि आपको डिफरेंशिएशन आप कर सको कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट बात है और कौन सी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, राइट। तो अब दोस्तों ये हम लोगों ने बेसिक बातें पढ़ ली सार लेखन की, आगे चलिए अब।
ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों क्या दिया गया इसके अंदर, प्रेसिज राइटिंग फर्स्ट इज बेटर इन प्रेसिज, द एडवांटेज इज दैट द होल मैटर इज ऑलरेडी अवेलेबल। अब दोस्तों ये बात कर रहा है कि लेटर आएगा एक तो हमारे एग्जाम के अंदर, ठीक है, एक दोस्तों प्रेसिज आएगा, ठीक है, और भी दोस्तों दो तीन, टोटल तीन टॉपिक हैं जो अलग अलग डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है, एफिडेविट है, काउंटर एफिडेविट है, ठीक है। तो दोस्तों सारे जो टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहले जो क्या है आप प्रेसिज को कर सकते हो, ये बात इसके अंदर बोली गई है, प्रेसिज राइटिंग फर्स्ट इज़ बेटर, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों अगर आप प्रेसिज राइटिंग करोगे तो बेटर है। क्यों बेटर है दोस्तों, प्रेसिज राइटिंग लिखने में आपको क्या एडवांटेज है, इन प्रेसिज द एडवांटेज इज दैट द होल मैटर इज ऑलरेडी अवेलेबल। दोस्तों प्रेसिज राइटिंग में क्या होगा, आपको पूरा मैटर जो है दिया होगा, उसमें से ही तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालनी है, उन्हीं लाइनों को तो क्या है आपको ऐड करना है, ठीक है, चार लाइनों को दोस्तों एक में बनाना है, ठीक है, मतलब कंजंक्शन वगैरह यूज़ करके, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों क्या है ऑलरेडी अवेलेबल मैटर है, तो आपको ज़्यादा दिमाग इसके अंदर लगाना पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये बात इसके अंदर बोली गई है, एंड यू आर नॉट टू थिंक एंड कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग न्यू, आपको दोस्तों कुछ भी ज़्यादा नहीं सोचना है, और दोस्तों आपको कोई भी नई चीज़ कोई भी कॉन्ट्रीब्यूट इसके अंदर नहीं करनी है, ठीक है। नॉट गिवन इन टेक्स्ट नॉट फ्रॉम योर नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन और ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आपको कोई भी नई चीज़ जो क्या है ऐड नहीं करनी है, ना तो आपको कोई नया टेक्स्ट ऐड करना है, ना आपका कोई बहुत ज़्यादा दिमाग आपको लगाना है, कोई रूल्स रेगुलेशंस आपको ये यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। कोई भी ऑफिस का एक्सपीरियंस जो है प्रोसीजर का वो इसके अंदर अपने को नहीं लाना है, जो जो ऊपर दिया गया है उसके मतलब उसको सेट करके उसको टिपना है नीचे, ठीक है। कुल मिला के बात ये है फाइनल, ठीक है। द एक्सरसाइज इज ओनली टू पिक आउट द इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स, द एक्सरसाइज इज ओनली टू पिक आउट द इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स, अरेंज देम इन ए सीक्वेंस, प्रेजेंट देम फ्री फ्रॉम फ्लॉज, ठीक है। तो दोस्तों एक्सरसाइज क्या है, इसको सार लेखन की जो प्रेसिज राइटिंग है कि आपको इम्पोर्टेंट जो आस्पेक्ट है उसको पिकअप करना है, अरेंज करना है दोस्तों उनको सीक्वेंस के अंदर और उसको प्रेजेंट कर देना है, ठीक है। ट्रेन यू टू रीड फास्ट एंड डिफरेंशिएट बिटवीन इंपॉर्टेंट एंड नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। वापस बोल दी दोस्तों, आपको अपने आप को ट्रेनिंग ऐसी देनी है कि आप जो कॉम्प्रीहेंशन जो है उसको फास्ट रीड कर सको और आप दोस्तों डिफरेंशिएट कर सको कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है, हम वन थर्ड जो है जनरली इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हम क्या है दोस्तों प्रेसिज राइटिंग के अंदर वन थर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों आज का जो एग्जांपल करेंगे उसके अंदर लगभग जो क्या है पांच पेज और दोस्तों तीन लाइनें दी गई है, ठीक है। और दोस्तों जब इसका प्रेसिज जो बनाया है हमारे पास, जो ऑफिशियली इसका प्रेसिज जो है डिपार्टमेंट ने बना के दिया है, ठीक है, उसके अंदर दोस्तों टाइटल एक लाइन का है, समरी ऑफ पॉइंट जो क्या है वो चार लाइनों की है, ठीक है, मतलब हर एक पेज से एक एक लाइन उसने निकाल ली, ठीक है। इसके बाद दोस्तों प्रेसिज जो क्या है उसने ढाई एक पेज का प्रेसिज लिखा है, तो कुल मिला के दोस्तों तीन एक पेज उसने लिख लिए, यानी तीन पेज दोस्तों लिख लिए, राइट, तीन पेज मान लो प्रेसिज के लिख लिए, ठीक है, आधा पेज ढाई पेज दोस्तों प्रेसिज के लिख लिए, आधा पेज मैंने इसको मान लिया, राइट। तो लगभग ढाई पेज दोस्तों लिख लिए, कितने में से, पाँच में से लगभग उसने दोस्तों क्या 50% कर दिया, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों क्या है, आप अगर पाँच पेज का आपको प्रेसिज दिया हुआ है तो आप उसके अंदर दो पेज से लेकर ढाई पेज तक लिख सकते हो, लगभग दोस्तों क्या है 50% तक उसको लिख सकते हो, राइट। क्योंकि दोस्तों अब सारी लाइनें गिनना और वो सब चीज़ें तो क्या फिजिबल नहीं है, एग्जाम के अंदर कितनी की लाइनें गिनने को, पांच पेजों की लाइनें गिनने वैसे बैठ जाओगे तो फिर क्या है, फिर एग्ज़ाम पूरा होगा नहीं, राइट। तो ये हुआ दोस्तों अपने बेसिक बेसिक बातें, आगे चलिए, अब आगे देखिए दोस्तों, अब अपने जो है नवंबर 2020 के अंदर जो प्रेसिज आया हुआ है इस पर अपने बात करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले दोस्तों एक बात और बता दूं, टोटल तीन घंटे का टाइम जो क्या है हमारे पास इस पेपर के अंदर दिया गया है, ठीक है, जिसके अंदर दोस्तों सेक्शन ए 35 नंबर का और दोस्तों सेक्शन बी जो क्या है 65 नंबर का। सेक्शन बी दोस्तों 65 नंबर में भी 20 नंबर का प्रेसिज, 20 नंबर का दोस्तों एक सवाल आएगा, फिर दोस्तों 15 नंबर का एक सवाल और फिर एक 10 नंबर का एक सवाल, ठीक है। अब दोस्तों 35 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के अंदर है तो इसके मान के चलिए आपको 35 मिनट तो लग ही जाएंगे, ठीक है, और दोस्तों आपको क्या 35 मिनट लगाने भी चाहिए इसके अंदर, कम से कम 35 से 40 मिनट, राइट। फिर दोस्तों टाइम, क्योंकि दोस्तों 35 सवाल जो हैं इसमें से आप मैक्सिमम सही कर दोगे तो यहाँ पे आप बचत कर सकते हो, ठीक है, चीज़ों की कि आपको कम नंबर लाने पड़ेंगे, राइट। तो इसमें दोस्तों 35 मिनट 40 मिनट आप इसमें लगा देते हो तो यहाँ पे दोस्तों लगभग 2 घंटे 10 मिनट का टाइम आपको मिलता है, ठीक है, 2 घंटे दोस्तों 10 मिनट का टाइम आपको मिलता है, राइट। तो दोस्तों इस दो घंटे 10 मिनट के अंदर आप क्या कर सकते हो, 2 घंटे 10 मिनट का मतलब है दोस्तों 130 मिनट, राइट, 130 मिनट, राइट, 2 घंटे 10 मिनट का मतलब है दोस्तों 130 मिनट। इसमें दोस्तों मैंने कितना कर लिया, टोटल 180 मिनट है, ठीक है, इसके अंदर कितना 50 मिनट यूज़ कर लिया, राइट। इसके अंदर दोस्तों क्या है मैं 50 मिनट तक यूज़ कर सकता हूँ,
इसके अंदर दोस्तों क्या है, मैं 130 मिनट तक यूज कर सकता हूँ, ठीक है, 2 घंटे 10 मिनट तक लगभग मैं इसके अंदर यूज़ कर लूँगा। 2 घंटे 10 मिनट के अंदर दोस्तों 130 मिनट है, तो इस दोस्तों प्रेसिस पे क्या है, मैं इसको अब इक्वली डिवाइड कर दूंगा सबके अंदर, ठीक है, प्रेसिस के अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, राइट। तो 130 मिनट्स में से दोस्तों क्या है, ये 20-20 मिनट लगभग इस पे आप लगा सकते हो, ठीक है, 20-80 हो गया, फिर भी दोस्तों आपके पास टाइम बच जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों क्या है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात मैं और बताना भूल गया आपको, एक चीज़ और ऐड कर लीजिए यहाँ पे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो क्या है, 40 नंबर का पहले पेपर था, ठीक है, अब दोस्तों 20 नंबर का हो गया, मतलब नंबर दोस्तों आधे हो गए, ठीक है। तो आज दोस्तों जो एग्ज़ाम्पल अपने कर रहे हैं उसके अंदर जो क्या है, उसके अंदर दोस्तों 5 पेज हैं, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों जो नया सिलेबस है, इसके अंदर आप ये उम्मीद कर सकते हो कि जो 5 नंबर का प्रेसिस आपसे ना पूछ के 3 पेज का ही पूछे, ठीक है, 2.5-3 पेज का ही पूछे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों नंबर कम हो गए तो आपका जो मैटर आएगा प्रेसिस का वो भी कम हो सकता है, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दी। अब आगे चलिए दोस्तों, आज जो क्या है अपने ये टाइम की बात कर ली अपनों ने, ठीक है, कि भाई 3 घंटे का टाइम है, 35-40 मिनट उसमें दो, ठीक है, 50 मिनट उसमें दो, बाकी जो टाइम बचा है आप इसके सेक्शन बी के अंदर लगा सकते हो। तो देखिए दोस्तों, मेक ए प्रेसिस ऑफ द राइट अप प्लेस्ड बिलो, ऑल्सो सजेस्ट ए सूटेबल टाइटल एंड गिव समरी ऑफ पॉइंट्स, नीचे दिए गई लेख सामग्री का सार तैयार करें, ठीक है। एक तो दोस्तों आपको सार तैयार करना है, साथ ही एक उपयुक्त शीर्षक सुझाएं और बिंदुओं का सार दें, ठीक है। नीचे दोस्तों जो प्रेसिस दिया गया है उसका क्या है, समरी करें, एक उपयुक्त शीर्षक समझाएं, टाइटल दें, और दोस्तों आपको क्या है, बिंदुओं का सार उसके अंदर देना है, समरी ऑफ पॉइंट देनी है, ठीक है। 3 चीज़ें हैं इस पेपर का। दोस्तों क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश बोथ मीडियम में है, बट दोस्तों आंसर जो है ओनली इंग्लिश में ही गिवन है, ठीक है। तो अपने दोस्तों आंसर ओनली इंग्लिश में ही बात करेंगे। क्वेश्चन दोस्तों अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो इसको आपको दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों क्वेश्चन पेपर तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, लेकिन आंसर जो है वो ओनली इंग्लिश में, तो आप उसको क्या कृपया करके खुद की लैंग्वेज में क्या कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि ऊपर मैटर जो है वो तो हिंदी में दिया ही हुआ है अपने पास, ठीक है। तो उसको क्या है दोस्तों, हिंदी में जब इंग्लिश में जो सारांश दिया हुआ है उसको क्या है, थोड़ा उसको कन्वर्ट कर लेना, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाइलिंगुअल तो दोस्तों अपनी बात करने वाले ही हैं वैसे भी, राइट। तो ये दोस्तों अब देखते हैं कौन सा हमारा जो क्या है सारांश पेपर के अंदर पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको पेपर पर ही लेके चलता हूँ सीधा। अब ये देखिए दोस्तों, नवंबर 2020 के अंदर जो क्या है लेटेस्ट पूछा हुआ एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें देख, तो दोस्तों अपने चलते हैं हमारे ऑफिस कम्युनिकेशन पे। अब आगे देखिए दोस्तों, ये हुआ हमारा पेंशन, जो पेंशन से संबंधित जो क्या है ये प्रेसिस दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रेसिस में देखिए दोस्तों, मेक ए प्रेसिस ऑफ द राइट अप प्लेस्ड बिलो, ऑल्सो सजेस्ट ए सूटेबल टाइटल एंड गिव समरी ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो इसमें दोस्तों ये हिंदी वाला पोर्शन है, पेशेंट संवितरण प्रणाली की दक्षता और प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए एक समीक्षा की गई थी, ठीक है, जिसमें रक्षा पेंशन प्रणाली की 4 स्तंभ, रिकॉर्ड, कार्यालय, पेंशन स्वीकृति, प्राधिकारीगण, पेंशन संवितरण एजेंसियाँ, भारतीय रिजर्व बैंक में विद्यमान बजट निर्माण, लेखांकन और आंतरिक नियंत्रण सम्मिलित था। समीक्षा का उद्देश्य समुचित संस्तुतियां करने के लिए विद्यमान सूचना तकनीकी के अनुप्रयोग समेत दक्षता और प्रभावशीलता के मुद्दों का रिपोर्ट करना था, ठीक है। तो ये दोस्तों हिंदी के अंदर है, ये हिंदी में भी कोई बहुत ईजी मुझे नहीं लग रही है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले उन्होंने, पेंशन व्यय का अपूर्ण आलेखन, ठीक है, देखा गया प्रतिवर्ष व्यय की एक बहुत बड़ी धनराशि को लेखा के पेंशन शीर्ष में बुक नहीं किया जाता था और वह भारतीय रिजर्व बैंक के उच्चंत शीर्ष के अधीन पड़ी हुई थी। इस कारण बैंकों द्वारा उन पेंशन भुगतान चिट्ठों को प्रस्तुत नहीं किया जाना था जिनके आधार पर रक्षा लेखा नियंत्रक पेंशन द्वारा धनराशियों को लेखे केंद्र, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों बात यह है कि ये हिंदी वाला पूरा मैटर है, ठीक है। तो आप हिंदी मीडियम के तो आप इसको पढ़ लेना, मैं आपको दोस्तों इंग्लिश में ही इसको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अपने अब चलते हैं इंग्लिश वाले पोर्शन पे, ठीक है। अब दोस्तों ये पूरा जो क्या है प्रेसिस, ये पूरा हिंदी में ही था, ठीक है। अब दोस्तों ये हुआ हमारा इंग्लिश वाली बातें। अब दोस्तों जब भी प्रेसिस हम लिखते हैं तो आपको इसको क्या है, एक कम से कम 2 बार तो इसको रीड करना ही है, ठीक है। अब दोस्तों प्रेसिस जब हम पढ़ते हैं तो ऐसी जनरली चीज़ें देखी जाती है कि पाँच पेज दोस्तों जब हम पढ़ते हैं तो हमारे क्या बोरियत होने लग जाती है, ठीक है। और दोस्तों क्या है, पहला पेज पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरे पे आएंगे तो पहले दोनों भूल जाएंगे, ठीक है, राइट। तो इसलिए दोस्तों ऐसी फील जब आएगी, जब हम तीसरे पेज पे पहुंचेंगे, दूसरे पेज पे पहुंचेंगे तो कहेंगे भाई पहला भूल गया, चौथे पे पहुंचूंगा तो ये तीनों भूल गया, ठीक है। तो दोस्तों उससे घबराना नहीं है, अपने को पूरा एक बार तो रीड करना ही करना है इसको, फटाफट आपको रीड करना है, राइट। फिर दोस्तों दोबारा जब इस पे आओगे, राइट, तो उस पे दोस्तों क्या है, आपको समरी पॉइंट्स बनाने हैं, या आप अपनी सहूलियत के हिसाब से फर्स्ट टाइम पढ़ोगे जब भी आप समरी पॉइंट बना सकते हो,
ठीक है। तो दोस्तों इसको जब मैंने पढ़ा तो मैंने दोस्तों इसके समरी पॉइंट्स बनाए, राइट। तो दोस्तों इसके समरी पॉइंट क्या क्या बनाए मैं आपको बताता हूँ। वो अब देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या है, मैंने इसके रफ पॉइंट्स बनाए, राइट। तो ऐसा ही दोस्तों सबको करना है एग्ज़ाम के अंदर, जब भी हम प्रेसिस पढ़ते हैं तो हमें क्या है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है रफ पॉइंट नोट करने ही हैं, ठीक है, रफ पेज के अंदर। इसके बाद दोस्तों उसको क्या है अच्छा रूप देना है, ताकि हमें थीम तो पता चले। हम दोस्तों टाइटल कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो टाइटल दोस्तों कैसे निकालेंगे वो हमें थीम तो कम से कम पता होनी चाहिए, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों पहले थोड़े से रफ पॉइंट आपको बताता हूँ मैं। इसके अंदर देखिए तो ए रिव्यू वाज अंडरटेकन टू असर्टेन द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द पेंशन डिसबर्समेंट सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों क्या है, जो हमारा प्रेसिस था उसके अंदर पहली पहली लाइन ये दी गई थी, ठीक है, कि क्या क्या एक रिव्यू किया गया, ठीक है। एक रिव्यू अंडरटेकन मतलब एक रिव्यू किया गया, किस एजेंसी ने किया है दोस्तों, किसने किया है वो इसके अंदर नहीं बताया गया, फिर भी क्या दोस्तों बताया गया कि रिव्यू करा गया अपने मान लेते हैं। और दोस्तों रिव्यू के अंदर क्या देखा गया, टू असर्टेन द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, क्या सुनिश्चित करने के लिए कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस किसकी, पेंशन डिसबर्समेंट सिस्टम की, ठीक है दोस्तों। आदमी रिटायर होकर चला जाएगा तो बाद में क्या है दोस्तों उसको पेंशन मिलेगी, ठीक है दोस्तों। पेंशन हमारी तो बंद हो गई है, लेकिन दोस्तों डिफेंस सर्विसेज के लोगों को तो मिलती है पेंशन, ठीक है, जो सर्विस पर्सनल है डिफेंस सर्विसेज के, राइट। तो उन केस के अंदर दोस्तों उनको पेंशन, अब पेंशन के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। तो पहले तो दोस्तों पेंशन के लिए पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद जो है हमारा वो रेस्पॉन्सिबल है पेंशन को ग्रांट करने के लिए, पेंशन को सेंक्शन करने के लिए, ठीक है। और दोस्तों वो सभी जो आर्मड फोर्सेज हैं, आर्मड फोर्सेज बोल तो आर्मी के केस में दोस्तों क्या है पेंशन को सेंक्शन करने का काम करता है, जितने डिफेंस सिविलियंस हैं, ठीक है, और भी दोस्तों डीएडी के जो लोग हैं बहुत सारे, ठीक है, जिनको पेंशन मिलेगी, राइट। तो उनको दोस्तों पेंशन को ग्रांट करने का काम, पेंशन को सेंक्शन करने का काम ये करता है, ठीक है। ये दोस्तों किसको, डिसबर्समेंट्स को बोल देगा, ठीक है, हमारे डीपीडीओ जो हैं पेंशन डीपीडीओ पेंशन डिसबर्समेंट जो ऑफिस हैं उनको बोल देगा, ठीक है। तो ये सेंक्शन करेगा, ये ग्रांट करेगा, डिसबर्समेंट कौन करेगा दोस्तों, हमारे डीपीडीओ करेंगे। अब डीपीडीओ दोस्तों कितने हैं टोटल, राइट, ओएमएन के अंदर अपनों ने पढ़ा था 51 प्लस 12 या 13 थे, ठीक है, ये कुछ दोस्तों ये नॉर्थ के अंदर है 12 13 जो क्या, तो साउथ के अंदर है, ठीक है, तो वो चीज़ें आप याद कर सकते हो, राइट। इसके बाद दोस्तों जो नेवी और एयरफोर्स के केस के अंदर जो है, आर्मी के केस के अंदर तो दोस्तों ये क्या है पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद कर देगा, ठीक है, पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद, राइट। अब दोस्तों नेवी और एयरफोर्स के केस के अंदर जो क्या है, एयरफोर्स के केस के अंदर तो दोस्तों जेसीडीए एयरफोर्स जो न्यू दिल्ली है वो करता है पेंशन को सेंक्शन करने का काम, ठीक है। और दोस्तों नेवी के केस के अंदर पीसीडी नेवी मुंबई जो है वो पेंशन को सेंक्शन करने का काम करता है, ठीक है। ये दोस्तों सेंक्शन कर देते हैं, फिर दोस्तों ग्रांट जो करनी होती है पेंशन को, ठीक है, उसको दोस्तों जो ऑथराइजेशन जो होता है फाइनल, वो दोस्तों क्या है पीसीडीए पेंशन के पास जाती है। पीसीडीए पेंशन दोस्तों इनको ऑडिट रिपोर्ट भेजता है, राइट। वो दोस्तों अपने जो क्या है ऑडिट कोड के अंदर जो नेक्स्ट चैप्टर अपने पढ़ेंगे, राइट, 12वां या 13वां चैप्टर है उसके अंदर एक बार ये बात आपको और बता दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों पीसीडी पेंशन आ गया, तो एक सवाल दोस्तों आपको याद होना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीएडी के एस्टेब्लिशमेंट बिल्स जो हैं उनके पोस्ट ऑडिट का काम भी क्या है, मेरा पीसीडी पेंशन करता है। और दोस्तों पीसीडी पेंशन के जो एस्टेब्लिशमेंट बिल जो है डीएडी के, वो दोस्तों सीडीए पटना करता है, ठीक है। तो पेंशन के बारे में दोस्तों ये कहानी आपको समझ में आई, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों यही बोल दिया कि जो पेंशन का डिसबर्समेंट सिस्टम जो है, ठीक है, और दोस्तों पेंशन डिफेंस पेंशन के जो चार पिलर्स हैं कौन कौन से, रिकॉर्ड ऑफिस, पेंशन सेंक्शनिंग अथॉरिटी, पेंशन डिसबर्समेंट एजेंसीज पीडीए, और दोस्तों जो आरबीआई जो है हमारा, ठीक है, ये दोस्तों चार पिलर हैं, ठीक है। अब दोस्तों डीए डिफेंस पेंशन था, यहाँ पे डिफेंस पेंशन की बात कर दी, ठीक है। तो दोस्तों टाइटल क्या डिफेंस पेंशन से रिलेटेड हो सकता है, तो दोस्तों ये बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों टाइटल जो क्या है इसका डिफेंस पेंशन से रिलेटेड हो सकता है, तो उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है, ये समरी मैंने थोड़ी निकाली, उसके अंदर रफ पॉइंट निकाले। अब दोस्तों जब अपने क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी उसके अंदर, ठीक है। और दोस्तों इस पेंशन का जो आपने डिसबर्समेंट का रिव्यू जो किया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका दोस्तों ऑब्जेक्टिव ये था कि एफिशिएंसी कैसी है इसके, पेंशन डिसबर्समेंट की इफेक्टिवनेस कैसे है दोस्तों, आईटी के दोस्तों एप्लीकेशंस कैसे हैं, ठीक है, जो इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं सॉफ्टवेयर जो यूज़ हो रहा है पेंशन के अंदर, ठीक है। और बाद में दोस्तों क्या है रिकमेंडेशन करना, ठीक है, चीज़ों पे क्या है दोस्तों बाद में रिकमेंडेशन करना, ये सारा काम जो क्या है, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्या था हमारे रिव्यू का था, राइट। अब दोस्तों जो पेंशन का काम जो था, पहले जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते थे, ठीक है, कैसी उसकी इफेक्टिवनेस थी, कैसी उसकी एफिशिएंसी थी, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या है जो तो रिव्यू देने का काम जो किया था, मतलब रिव्यू जो किया गया उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि उसके अंदर ये रिव्यू दे दोस्तों, कुछ रिकमेंडेशन करे, कुछ गलतियां निकाले, ठीक है, कुछ सुझाव दे। और दोस्तों वर्तमान के अंदर जो क्या है, जो हमारा स्पर्श का जो क्या है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, ठीक है, इसका दोस्तों क्या है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन
रक्षा, ठीक है, स्पर्श, राइट, जो दोस्तों एमओडी ने क्या है इम्प्लीमेंट किया है, जो पेंशन को सेंक्शन करने के लिए उसके डिसबर्समेंट को, ठीक है, जो आर्मेड फोर्सेस की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, तो वर्तमान के अंदर दोस्तों क्या है ये स्पर्श जो क्या है काम कर रहा है हमारे, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों मोटी मोटी बातें जो क्या थी, रफ पॉइंट जो क्या थे शुरू की स्लाइड में मैंने आपको बताए, राइट। आगे चलिए दोस्तों, अब दोस्तों आगे देखिए कुछ और जो है शॉर्ट पॉइंट्स मैंने निकाले थे, ठीक है, उसको पढ़ते टाइम, ये दोस्तों अपने पहले वो पढ़ेंगे फिर इसके बाद मैं इस पर आऊँगा, राइट। इसके बाद दोस्तों क्या है इसको थोड़े से और मैंने पॉइंट निकाले, राइट। तो ये दोस्तों क्या एज ए समरी ही तैयार हमारी हो गई, राइट। तो अब चलते हैं दोस्तों अपने जो हमारा क्वेश्चन पेपर था, अब देखिए दोस्तों प्रेसिज अपने पढ़ते हैं पूरा इसको, ठीक है। ए रिव्यू वॉज अंडरटेकन टू असरटेन द एफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द पेंशन डिसबर्समेंट सिस्टम इंक्लूडिंग द बजटिंग अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल्स एग्जिस्टिंग इन द फोर पिलर्स ऑफ द डिफेंस पेंशन सिस्टम दैट इज रिकॉर्ड ऑफिस, ठीक है। ये तो मतलब एक रिव्यू किया गया क्या करने के लिए, क्या सुनिश्चित करने के लिए कि जो पेंशन के डिसबर्समेंट सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी कैसी है, वो कैसे काम कर रहा है, वो कितना इफेक्टिव है, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों बजटिंग अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्टिंग इन फोर पिलर्स ऑफ द डिफेंस पेंशन, ठीक है। दोस्तों जो फोर पिलर है डिफेंस पेंशन के कौन कौन से हैं, पहला तो दोस्तों बता दिया रिकॉर्ड ऑफिस, दूसरा दोस्तों पेंशन सेंक्शनिंग अथॉरिटीज़, ठीक है, इनको दोस्तों पीएसए बोल दिया, पीएसए मतलब पेंशन सेंक्शनिंग अथॉरिटी जो पेंशन को सेंक्शन करती है, पहला दोस्तों बोल दिया रिकॉर्ड ऑफिस, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफिस दोस्तों पता होगा आपको जो आर्मर्ड फोर्सेस के साइड के जो ऑफिसेज जो होते हैं उनको दोस्तों क्या है रिकॉर्ड ऑफिस बोला जाता है, पेंशन सेंक्शनिंग अथॉरिटी होगी। तीसरा दोस्तों पेंशन डिसबर्समेंट एजेंसीज होगी, ठीक, हमारे डीपीडीओज जो हैं वो डिसबर्समेंट करते। चौथा हो गया दोस्तों आरबीआई, आरबीआई के साथ भी दोस्तों क्या है हमारे जो अकाउंट्स जो हैं वो अपडेट होंगे, उनके हेड्स वगैरह अपडेट होंगे, ठीक है। पैसा तो दोस्तों आरबीआई ही देगा अल्टीमेटली, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिव्यू, ये दोस्तों देखो देखिए फीका है थोड़ा, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिव्यू वाज टू रिपोर्ट ऑन द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इश्यूज इंक्लूडिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन प्लेस विद ए व्यू टू मेक अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन, ठीक है। और दोस्तों क्या था ऑब्जेक्टिव इसका कि रिपोर्ट करना किस पे एफिशिएंसी कैसी है, इफेक्टिवनेस कैसी है, ठीक है, जो आईटी के एप्लीकेशन इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, और दोस्तों उस पे क्या है रिकमेंडेशन देना, राइट। अब दोस्तों इसके अंदर प्रेसिस का मतलब क्या हुआ, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालनी है, ठीक है। एक बार दोस्तों टाइम लगेगा थोड़ा सा, नेक्स्ट जो अपने एग्जांपल डिस्कस करेंगे उसमें ये चीज़ें जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए तो एक तो आपको हो गया कि एक रिव्यू डिस्कस, एक रिव्यू हुआ है, ये चीज़ आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। और दोस्तों इसको काट दो भले ही आप प्रेसिस के अंदर, इन लाइनों को काट दो, आप सीधा ये लिख लो, ये लिखो कि डिफेंस पेंशन के चार पिलर हैं, ठीक है, ये वाले हो गए, राइट। इसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्या था रिव्यू का, इसके अंदर इसको इसको भी लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव को, राइट। इसके बाद दोस्तों की फाइंडिंग्स क्या क्या हुई, राइट। अब दोस्तों की फाइंडिंग्स क्या क्या हुई, सबसे पहले देखिए दोस्तों इनकम्प्लीट अकाउंटिंग ऑफ पेंशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो भी दोस्तों पेंशन का एक्सपेंडिचर हो रहा था उसकी क्या थी इनकम्प्लीट अकाउंटिंग हो रही थी, ये क्या है रिव्यू के अंदर उनको देखने को मिला। वी ऑब्जर्व दैट एवरी ईयर सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर वॉज नॉट बुक्ड टू द पेंशन हेड ऑफ द अकाउंट वॉज लेइंग अंडर आरबीआई सस्पेंस बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी ऑफ द बैंक टू फर्निश द पेंशन पेमेंट स्क्रोल ऑन द बेसिस ऑफ विच द पीसीडीए सीडीए ऑन विच ऑफ द पीसीडीए पेंशन वुड बुक द अमाउंट टू द फाइनल हेड ऑफ अकाउंट, ठीक है। ये क्या हुआ दोस्तों, ऑब्जर्व किया गया जो प्रत्येक साल के अंदर बहुत सारी अमाउंट जो है वो पेंशन हेड के अंदर बुक नहीं हो रही है और वो सारा अमाउंट जो है आरबीआई के सस्पेंस हेड के अंदर है, क्यों, क्योंकि दोस्तों जो बैंक जो हैं वो पेंशन पेमेंट स्क्रोल जो है जिनके बिहाफ पे पीसीडीए पेंशन जो क्या करता है उसके वो पेमेंट वगैरह को ऑथराइज करेगा, ठीक है, कुछ भी मतलब पीसीडीए पेंशन जो काम करेगा पेंशन पेमेंट स्क्रोल के द्वारा, ठीक है, वुड बुक द अमाउंट टू द फाइनल हेड ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों समझ में आई आपको, बताएं कि प्रत्येक साल के अंदर क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है कि बहुत सारी अमाउंट जो एक्सपेंडिचर की वो पेंशन हेड के अंदर बुक नहीं हो रही है, वो आरबीआई के सस्पेंस हेड के अंदर है, क्यों, क्योंकि दोस्तों इनएबिलिटी ऑफ द बैंक्स टू फर्निश द पेंशन पेमेंट स्क्रोल, दोस्तों बैंक जो है पेंशन पेमेंट स्क्रोल फर्निश नहीं कर रहे हैं जिसको पीसीडीए पेंशन को, वुड बुक द अमाउंट टू द फाइनल, जो क्या करते हैं दोस्तों फाइनल हेड के अंदर अकाउंट को बुक करने का काम करेगा हमारा पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद, ठीक है। इसलिए दोस्तों क्या है बैंकों की कमी की वजह से कि वो ये नहीं भेज रहे हैं तो आरबीआई के सस्पेंस हेड के अंदर वो पैसा रखा हुआ है, ठीक है। दिस रिजल्टेड इन इनकरेक्ट डिपिक्शन ऑफ पेंशन अकाउंट्स विद अटेंडेंट implications of revenue deficit figure of the government, this the cumulative lying in the suspense head at the end of March is 6831, ठीक है। दोस्तों इसको भी आपको समराइज करना है, ठीक है, पहला तो दोस्तों इनकम्प्लीट अकाउंटिंग हो रही है पेंशन की, ठीक है, इसके अंदर क्या है ये चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, इन चीज़ों को क्या है आप समराइज कर सकते हो दो या तीन लाइन के अंदर कि भैया जो बैंक जो क्या करते हैं पेंशन पेमेंट स्क्रोल पीसीडी पेंशन को नहीं भेज रहे हैं इसलिए क्या है आरबीआई के सस्पेंस हेड के अंदर पेंशन जो हेड के अंदर जो क्या है अमाउंट
जो क्या है आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। बाद में ये फिगर भी दे सकते हो, या फिगर को नहीं देना चाहो तो क्या है काट भी सकते हो, ठीक है। प्रेसिस के अंदर तो दोस्तों क्या है आपको इसमें से ही इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालनी है। अगला देखिए दोस्तों, इनएफिशियंसीज इन द पेंशन ऑथराइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो पेंशन के ऑथराइजेशन प्रोसेस के अंदर दोस्तों क्या है इनएफिशियंसीज है, राइट। वी ऑब्जर्व दैट द प्रोसेस ऑफ फॉर ऑथराइजेशन ऑफ द पेंशन इन्वॉल्व सेवरल प्लेयर्स मल्टीपल स्टेजेस ऑफन रिजल्टिंग इन अवॉइडेबल डिले इन द इशू ऑफ पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स पीपीओ। देर वॉज ए नीड टू रिव्यू ऑफ द ऑथराइजेशन प्रोसेस सो दैट इट लेस कंबरसम एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑल्दो द इन्फॉर्मेशन इज बीइंग कैप्चर इलेक्ट्रॉनिकली एट द रिकॉर्ड ऑफिसेस लैक ऑफ देयर इंटीग्रेशन रिजल्ट इन एन इनएफिशियंट फ्लो ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट इज प्रोन टू द ट्रांसक्रिप्शन एरर्स एंड रिजल्टेंट एरर्स इन द पेमेंट मेथड पेमेंट्स, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों पहले तो बोल दिया था इसने, क्या बोला पहले तो, कि जो अकाउंटिंग का जो है पेंशन का वो इनकम्प्लीट है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों सस्पेंस हेड के अंदर अमाउंट रखी है। दूसरा दोस्तों बोल रहा है इनएफिशियंसी इन द पेंशन के ऑथराइजेशन प्रोसेस के अंदर क्या है दोस्तों इनएफिशियंसी है, ठीक है। तो दोस्तों पेंशन को ऑथराइज करने के लिए बहुत सारे प्लेयर्स हैं, मल्टीपल स्टेजेस पे काम करते हैं, ठीक है। ऑफन रिजल्टिंग इन अवॉइडेबल डिले इन इश्यू ऑफ पेंशन पेमेंट ऑर्डर, ठीक है। और दोस्तों क्या है पीपीओ के अंदर क्या है दोस्तों पेंशन पेमेंट ऑर्डर को बनाने के लिए क्या करते हैं वो, उसके अंदर ऐसा डिले जिसको दोस्तों अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या है दोस्तों उसके अंदर वो नहीं करते हैं उसको अवॉइड, राइट, मतलब डिले हो रहा है। देर वॉज ए नीड फॉर रिव्यू ऑफ द ऑथराइजेशन प्रोसेस, और दोस्तों क्या बोला जो रिव्यू हुआ उसने अंदर क्या गलतियाँ निकाली कि जो ऑथराइजेशन प्रोसेस है उसको रिव्यू की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि ये क्या है लेस कंबरसम और लेस टाइम कंज्यूमिंग बने, ठीक है। अब दोस्तों जो रिव्यू हो रहा था वो गलतियाँ निकाल रहा है, ठीक है, पहले दोस्तों क्या है गलतियाँ निकालेगा, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों द इन्फॉर्मेशन इज बीइंग कैप्चर्ड इलेक्ट्रॉनिकली एट द रिकॉर्ड ऑफिसेस, और दोस्तों क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉनिकली तो है, लेकिन दोस्तों ये क्या है इनका लैक ऑफ देयर इंटीग्रेशन रिजल्ट्स इन इनएफिशिएंट फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज प्रोन टू ट्रांसक्रिप्शन एरर, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों क्या है आपस में क्या है इनका इंटीग्रेशन नहीं है इन लोगों का, रिकॉर्ड ऑफिसेस का, पेंशन की जो सेंक्शनिंग अथॉरिटी है, और दोस्तों पेंशन का डिसबर्समेंट के ऑफिसेस है, ठीक है। इसके अंदर क्या करता है दोस्तों, इसलिए क्या है पेंशन के ऑथराइजेशन प्रोसेस के अंदर इनएफिशिएंसीज है। अगला देखिए दोस्तों, डेफिशिएंसीज इन द पेंशन डिसबर्समेंट सिस्टम। अब दोस्तों पेंशन के डिसबर्समेंट सिस्टम के अंदर क्या क्या डेफिशिएंसी है, वी ऑब्जर्व दैट द ट्रांसमिशन एरर एज वेल एज मिस्टेक्स इन बैंक्स विच अकाउंट फॉर नियरली 75% ऑफ द पेंशन डिसबर्समेंट हैज रिजल्टेड इन न्यूमरस केसेस ऑफ अंडर पेमेंट ओवर पेमेंट, ठीक है। अब दोस्तों इसको जब लिखोगे तो ये सारी लाइनें काट दो, इसके अंदर आप ये लिख सकते हो कि रिव्यू के अंदर ये देखा गया कि बहुत सारी अंडर पेमेंट हो रही है, पेंशन जिसको ऑथराइज है उसको कम दे रहे हैं, या दोस्तों जिसको जितनी ऑथराइज है उसे अपने ज़्यादा पे कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों कुछ फैक्ट आप इंक्लूड कर दीजिएगा, वी आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द टेस्ट चेक फॉर द मंथ केसेज ऑफ 21,434 पेंशनर्स हु आर अंडर पेड अमंग अमाउंटिंग, मतलब इतने लोगों को क्या है दोस्तों अंडर पेड किया इतना पैसा, ठीक है। और मेजर रीजंस फॉर अंडर पेमेंट वर नॉन रिवीजन करेक्ट रिवीजन, मतलब रिवीजन नहीं की उनके पेंशन को, ठीक है। तो ये इसने दोस्तों बता दी इसने, राइट। और दोस्तों इसके मतलब एनालिसिस ऑफ बल्क डेटा फॉर पीरियड 2011-12 से लेकर 15-16 तक जिन्होंने जब डेटा को इंक्लूड किया, ठीक है, तो उसके अंदर दोस्तों अंडर पेमेंट जो गया थी इतनी थी 228.85 करोड़, ठीक है। ये दोस्तों अंडर पेमेंट का बता दिया, इसके बाद ये क्या करेगा दोस्तों, ये ओवर पेमेंट का आपको बता देगा, ठीक है, कि भाई इतने पेंशनर थे और इसकी क्या है इनकी इतनी ओवर पेमेंट हुई थी, ठीक है। तो ये दोस्तों किसे क्या है इसने ओवर पेमेंट का बता दिया, राइट। और दोस्तों इस पीरियड के अंदर 11-12 से लेकर 15-16 तक इतनी अमाउंट क्या थी ओवर पेमेंट हुई थी, राइट। तो इनको क्या है इन केसेस को डिटेल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। अगला चलिए दोस्तों, आवर ऑडिट ऑल्सो इंडिकेटेड सेवरल केसेज ऑफ डबल पेमेंट एंड अदर इरेगुलरिटीज इन द डिसबर्समेंट ऑफ द पेंशन सच एज पेंशन ऑफ मल्टीपल पेंशनर्स बीइंग क्रेडिट टू वन अकाउंट, ठीक है। दोस्तों डबल पेमेंट कर दी एक ही पेंशनर को, क्या है डबल पेमेंट इन्होंने कर दी, राइट। इसके बाद दोस्तों क्या देखा गया कि डिले इन रिकवरी इन बाय द पीडीए ऑफ द अमाउंट्स ओवर पेड। दोस्तों पेंशन डिसबर्समेंट ने क्या कर दिया, पेंशन की पेमेंट कर दी, ठीक है, ओवर पेमेंट कर दी, लेकिन दोस्तों उसकी रिकवरी करने के अंदर लिए क्या है वो बहुत ज़्यादा देर लगा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों एनालिसिस ऑफ द पेंशनर्स बल्क डेटा मेंटेन्ड बाय पीडीए शोड सेवरल डेफिशिएंसी इन डेटा, ठीक है। दोस्तों जो पेंशन डिसबर्समेंट एजेंसी डेटा मेंटेन कर रही है उसके अंदर बहुत सारी क्या थी डेफिशिएंसी थी, जैसे क्या था दोस्तों अकाउंट नंबर नहीं लिखा किसी का, नाम और पीपीओ नंबर नहीं लिखा दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ के अंदर कोई भी एरर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या था दोस्तों पीडीए की तरफ से थी एरर। लैक ऑफ वैलिडेशन चेक मिसिंग इन्फॉर्मेशन वाल ऑल्सो नोटिस्ड इन द आश्रय सॉफ्टवेयर यूज बाय द डीपीडीओ, ठीक है दोस्तों। तो पहले जो क्या था आश्रय सॉफ्टवेयर जो यूज़ करते थे उसके अंदर क्या था
वैलिड चेक वो नहीं करते थे उसके अंदर, ठीक है। डीपीडीओज ऑफिस जो हैं, राइट, देर वर सेवरल केसेस ऑफ नॉन डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एट सोर्स, मतलब टीडीएस नहीं काटा, ठीक है। ये तो दोस्तों क्या है, जो रिव्यू हुआ उसने गलतियाँ निकाल दी, ठीक है। ये तो दोस्तों क्या है, जो रिव्यू हुआ उसने गलतियाँ निकाल दी, की फाइंडिंग्स हमें मिले। यहाँ से दोस्तों हमने क्या है, ये स्टार्ट किया था, ठीक है। ये दोस्तों 7-8 लाइनें पहले उसने बता दिया कि किसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो रिव्यू हुआ इसमें 1, 2, 3 और ये अभी सारा दोस्तों क्या है, इसने गलतियाँ निकाल दी। अब दोस्तों क्या है, ये रिकमेंडेशन देगा, ठीक है। रिकमेंडेशन दोस्तों कैसे देगा कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। सम की रिकमेंडेशन मेड बाय एस इन लाइट ऑफ द ऑडिट फाइंडिंग्स, ठीक है। जो भी दोस्तों ऑडिट हुई इसकी फाइंडिंग्स जो हुई उसमें उसने कुछ रिकमेंडेशन दी। इसके अंदर क्या बोलो, RBI शुड मेक द रीइंबर्समेंट टू द बैंक्स कंडीशनल अपॉन द प्रूफ ऑफ सबमिशन ऑफ द पेमेंट स्क्रोल टू पिछड़े पेंशन। अब दोस्तों क्या बोलेगा, RBI ने पहले, अब दोस्तों ऊपर जो गलती बताई थी कि जो पेमेंट के जो स्क्रॉल जो है वो बैंक नहीं भेज रहा है PCDA पेंशन को, इसके अंदर बोल दिया कि बैंक को कुछ क्या है दोस्तों, कंडीशनल बेस पे RBI ही पैसा दे कि आप उसको जो पेमेंट स्क्रॉल जब दोगे, ठीक है, वो आप जब प्रूफ सबमिट करोगे कि आपने PCDA पेंशन को पेमेंट स्क्रॉल भेज दिया, तभी हम आपको और अमाउंट क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अल्टरनेटिवली RBI शुड इंट्रोड्यूस फाइनेंशियल डिसइंसेंटिव फॉर सबमिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्क्रॉल्स टू PCDA पेंशन इलाहाबाद, ठीक है। और दोस्तों RBI क्या कर सकता है, अल्टरनेटिवली फाइनेंशियल डिसइंसेंटिव, मतलब बैंक्स पे क्या है पेनल्टी वगैरह लगा सकता है उनको, दोस्तों क्या है पेनल्टी वगैरह लगा सकता है, फाइनेंशियल डिसइंसेंटिव दे सकता है, ठीक है, कि वो जो है ई स्क्रॉल क्यों सबमिट नहीं कर रहे PCDA पेंशन इलाहाबाद को, ठीक है। बैंक एक तो दोस्तों ऑफलाइन डॉक्यूमेंट जाना, ठीक है, एक दोस्तों ऑनलाइन उसी को आप भेज दो तो कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं आएगी, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या, इन्होंने रिकमेंडेशन दी पहली। तो इसके बाद दोस्तों बोल दिया कि जो मॉनिटरिंग सिस्टम है एग्जिस्टिंग का, ठीक है, जो ऑथराइजेशन करते हैं जिससे पेमेंट को, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों PPO शुड बी सेंट बाय PSA डायरेक्टली टू द PDA इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। दोस्तों जो PPA जो है पेंशन सेंक्शनिंग अथॉरिटी जो है वो डिसबर्समेंट वालों को क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के दे, फॉर्म के अंदर दे। इसके बाद दोस्तों बोल दिया जो 3 पिलर्स जो है, रिकॉर्ड ऑफिस जो है, PSA जो है, PDA जो है, शुड बी कनेक्टेड ऑनलाइन, इनको दोस्तों क्या है आप ऑनलाइन कनेक्ट कर दो, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया, पहले दोस्तों गलतियां निकाली, पहले दोस्तों इन्होंने क्या गलती निकाली, अब क्या है ये रिकमेंडेशन दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद बोल दिया दोस्तों PCDA पेंशन क्या करे, कॉम्प्रिहेंसिव ई ऑडिट ऑफ स्क्रॉल्स की ई ऑडिट करे, ठीक है। पैन नंबर शुड बी कैप्टर इन ओरिजिनल प्रोफाइल मेंटेन्ड बाय द रिकॉर्ड ऑफिसर ट्रैवल थ्रू द चेन ऑफ ट्रांसमिशन टू PCDA टू फैसिलिटेट TDS, ठीक है। इसके अंदर बोल दिया दोस्तों, जैसे पहले प्रॉब्लम बता दी कि TDS नहीं कट रहा था उनको, ठीक है, तो इसके अंदर बता दिया कि भैया TDS भी क्या है आप टाइमली काटो, आपके पास पैन नंबर वगैरह होगा तो आप इसका क्या टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कर सकते हो, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द पेंशनर ए हैसल फ्री मेथड ऑफ सबमिटिंग लाइफ सर्टिफिकेट टू PDA, आधार नंबर शुड भी, ठीक है, आधार नंबर वगैरह भी क्या है दोस्तों इनको दे दो ताकि इस स्कीम का उसको लाभ पहुँचाया जा सके, ठीक है। अब दोस्तों जो क्या है, इस समरी के, इस प्रेसिस के उन्होंने 2 हिस्से कंप्लीट कर लिए, ठीक है। पहला दोस्तों बता दिया कि क्या पेंशन के था, इसके बाद दोस्तों क्या क्या फाइंडिंग्स उनको मिली, ठीक है, की फाइंडिंग मतलब उनको क्या क्या प्रॉब्लम मिली रिव्यू के अंदर। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी, ठीक है, क्या क्या रिकमेंडेशन दी ये अपनों ने देख लिया, पहले गलती निकाली और दोस्तों इसके बाद क्या इन्होंने रिकमेंडेशन दी। अब दोस्तों तो क्या इंटरनल कंट्रोल्स, मतलब कुछ और उन्होंने राय दी कि क्या क्या चीज़ें जो क्या है ऐसे कंट्रोल जिनको क्या नियंत्रित किया जा सकता है, राइट। तो ये चीज़ें क्या है दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो क्या ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, ठीक है, इसको दोस्तों एडिट वगैरह करने में प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या है इसको वापस अपने एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों लंबा जो क्या 5-6 पेज का ये पैरा है, ठीक है, इसको दोस्तों ध्यान से अपने नहीं समझेंगे, एक दोस्तों ध्यान से समझ लिया तो क्या है हमारी बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो कल दोस्तों अपने इसको वापस मैं थोड़ा सा आपको रीड करवाऊंगा, नीचे के दोस्तों पूरा समरी पॉइंट पढ़ के जो रफ नोट मैंने बताए हैं वो पढ़ेंगे, और दोस्तों इसका समरी जो ऑफिशियली जो CGDA ने बताया है अपने उसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर करता हूँ, वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।